हेलो गाइस, आज टास्क वन करेंगे जी एकेडमिक्स का। तो आइल्स फ्री है जी, इस पेज पे जो भी डाल जाएगा वो फ्री है, कोई भी देख सकता है जी। प्लीज शेयर करिए। कैम्ब्रिज का टास्क वन कर रहे हैं जी यार। फॉर्मेट क्या होता है जी टास्क वन का? इंट्रो, फिर ओवरऑल या ओवरव्यू आएगा, फिर बीपी वन आएगा, फिर बीपी 2 आएगा। राइट, स्टार्ट करेंगे जी। तो देखो जी, हमको चार्ट दे रखा है जिसमें सर्वे किया गया है जी पेशेंट्स का, अलग अलग वार्ड्स में हॉस्पिटल। राइट, परसेंटेज दे रखी है कि इन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस जो था वो उसको अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, सो ये सारे उसी के हम बारे में है। ठीक है, तो तीन वार्ड्स हैं। तीन वार्ड कौन से हैं? पोली, मेपल और ओक। राइट, तो उसके बाद देखो जी, हमको समराइज करना है इसको और मेन फीचर्स बताने। ठीक है, कंपेरिजन करने जहाँ रेलिवेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है जी। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? ये कौन सा चार्ट है? बार ग्राफ है। ठीक है जी, बार ग्राफ क्या दिखा रहा है? सर्वे का रिजल्ट। ठीक है, जो कि तीन वर्ड्स के लिए था, एक्स वाई जेड बोल देंगे। ठीक है, ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं करा, ईयर लिखेंगे नहीं। ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल, ये भी मेंशन नहीं करा, जगह भी मेंशन नहीं करी। ठीक है, तो सिंपल ये बताएंगे कि अपना वेरी अपना जो है सर्वे को कैसे इवेल्यूएट करेगा, है ना। सो बार ग्राफ है जी, क्या प्रेजेंट कर रहा है? कंपैरिजन तीन वार्ड्स का। तो वार्ड क्या है? जहाँ पे जो है रूम में जो है रखा गया जो पेशेंट्स को, कोली, मेपल और ओक में। ठीक है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल नाम नहीं होता, पर्टिकुलर लिख देना। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे परसेंटेज की, परसेंटेज को प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। राइट, तो पेशेंट्स का जी जो इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करा। ठीक है जी, जो हॉस्पिटल स्टाफ का था, ठीक है, वेटिंग टाइम का था, और जो है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और आफ्टर केयर का था। ठीक है, जिसको सबने वेरी गुड बोला। राइट, सो ये चार कैटेगरीज जो है इसमें जो है बटी हुई है। राइट, सारा कुछ मेंशन कर दिया। अब ओवरऑल में क्या लिखेंगे जी? ओवरऑल में हम लिखते हैं हाईएस्ट, लोएस्ट, मेजर, माइनर। राइट, सो होली वार्ड है जी, ठीक है, इसका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेरी गुड था। ठीक है, इवेल्यूएशंस। अब होली वार्ड देख लेते हैं जी, कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, और ये क्या है? ये अपना 75 है। तो बाकियों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है, तो इसको हमने लिख दिया कि हाईएस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा रिव्यू किसका था? होली वार्ड का। ठीक है जी, सेकेंड में कौन सा आ जाएगा? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला क्या है? वार्ड। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? मेपल वार्ड। राइट, सो इसमें हम वो देख लेते हैं जी। तो वाइल हाईएस्ट का कंपैरिजन क्या करा? लोएस्ट के साथ। वाइल ओक रिसीव्ड मोर पॉजिटिव इवैल्यूएशन एक्सेप्ट फॉर वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ओक उसमें मात खा गया है ना, तो ओक ट्री की देख लेंगे जी। वेटिंग टाइम में बहुत मात खा रही है, वैसे इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी इससे ज्यादा, येलो से इसमें भी इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये पार्ट अगर हम बताएं वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें, इसको छोड़ के मेपल वाला जो है सब में ही लो है। ठीक है, सब में ही लो है, सिर्फ इसी में ज्यादा है, मतलब सबसे नीचे कौन सा है? मेपल वार्ड है। राइट, सो सबसे बुरी रेटिंग मेपल वार्ड की है, उसके बाद ओक की है, सबसे ऊपर किसकी है अच्छी? सबसे ज्यादा होली होली वार्ड की। राइट, सो वही हमने लिख दिया। राइट, सो अभी हम बीपीस पे जाएंगे जी। बीपीस में हमने क्या लिखा? अपॉन एनालाइजिंग डेटा देखा जा रहा है कि होली वार्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है पॉजिटिव ही दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे नियरली करके परसेंटेज देंगे, वही चीज जो है ओवरऑल को बिल्डअप करेंगे, और उसमें क्या है, नियरली करके हमने 90% ऑफ पेशेंट्स जो कि रेटिंग देते कि वेरी गुड सभी एरियाज। राइट, इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करें, पेशेंट्स ये जो पॉजिटिव वैल्यूएशन दे रहे थे हॉस्पिटल स्टाफ की, वो डिक्लाइन हुआ 69 से 55 पे, इसकी अपना ओक और मेपल वार्ड्स की बात। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पेशेंट जिनकी पॉजिटिव इवेल्यूएशन हॉस्पिटल स्टाफ की अगर हम बात करें, कैटेगरी कैटेगरी कौन सी है? हॉस्पिटल स्टाफ। तो हॉस्पिटल स्टाफ की हमने एक्स और वाई करके, इसका क्या है 65 ऑलमोस्ट है, और ये 55 रिस्पेक्टिवली करके हमने बना दिया। तो ये ऑलमोस्ट 69 है, मतलब देख लो ऑलमोस्ट नहीं लिखना तो एग्जैक्टली लिखना, 69 हो गया, ये 55 हो गया है ना। तो 55, 69 और 55 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है जी?
69 किसके लिए था? ओक ओक वार्ड के लिए था। 55 किसके था? मेपल वार्ड, जो येलो वार्ड, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे हम, आगे चलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स जो कि विजिट कर रहे थे मेपल और ओक को, येलो और ब्लैक को, ठीक है, तो उन्होंने रेट किया कि वेटिंग टाइम क्या था? अच्छा था, ठीक है। मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा, और 50% से ज्यादा वेटिंग टाइम के लिए 50% से ज्यादा थे, ठीक है, जिन्होंने वेरी गुड लिखा, ठीक है जी। तो उसके बाद देख लीजिए, और पेशेंट्स ने ओक वार्ड, जिन्होंने क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो था उनको पॉजिटिव बचाया विद मेयर डिफरेंस ऑफ 10% और 20%, ठीक है। डिफरेंस कितना था? 10% और 20% का डिफरेंस था, ठीक है, अपना किसमें? क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो ये 80 है, ये 70 है ना, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 10 का डिफरेंस, ठीक है। तो और भी चीजें हैं हम लिख सकते हैं, बट इसमें जो है चूज करना पड़ता है कौन सी हम चीज लिखें, राइट। सो होली वॉर्ड एक में लिख दिया, मेपल और उसको कंपेयर करके दूसरे में लिख दिया, ठीक है जी। ओके सो ये हमारा टास्क था जी। बहुत सारे तरीकों से टास्क करा जा सकता है जी। जो मेन रिस्पेक्टिव वाला सेंटेंस होता है ना, हाउएवर वाला, कंट्रैक्शन वाला, कंपैरिजन, ये होती है जी मेन राइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, ठीक है, प्लीज शेयर करिएगा। हो सकता है किसी को सच में जरूरत हो ना, तो उनको प्लीज ये शेयर करो। बाकी अगर किसी को पर्सनल क्लास चाहिए जिसमें वैल्यूएशंस वगैरह राइटिंग चेक करवानी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी फीस लगेगी, ठीक है, वो फ्री नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा जी, राइट।